हेलो दोस्तों, द विजन ट्यूब यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जीके में। तो कुछ टॉपिक हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे आप लोगों से, जैसे एक जिला एक उत्पाद, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे वही हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और जीआई टैग भी बहुत पूछा जाता है इन एग्जाम पर। यूपी पुलिस कांस्टेबल में जीआई टैग बहुत ही ज्यादा पूछा जाएगा। और नंबर 3 पर दिवस जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे, कुछ कराएंगे, कुछ अगले वीडियो पर हम डिस्कस करेंगे। और यार अगला टॉपिक होगा खिलाड़ी, उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी, जो संभावना है कि एग्जाम में पूछे जाए। तो आइए चलते हैं एक जिला एक उत्पाद के क्वेश्चन देखते हैं, कौन से यूपी पुलिस में बनेंगे और वो क्वेश्चन आने की अति संभावना बनी है। देखते हैं एक जिला एक उत्पाद में कौन से क्वेश्चन आएंगे। तो आइए देखते हैं एक जिला एक उत्पाद। उत्पाद में पहला क्वेश्चन, गोरा पत्थर किस जिले से, उत्तर प्रदेश के किस जिले से का उत्पाद है गोरा पत्थर? उत्तर प्रदेश के किस जिले का उत्पाद है महोबा? महोबा। नंबर 2, हस्त निर्मित कागज जालौन। नंबर 3, काला नमक किस जिला का उत्पाद है? काला नमक है सिद्धार्थ नगर। नंबर चार, रेडीमेड कपड़े कौन से जिला से है रेडीमेड कपड़े? गौतम बुद्ध नगर। और नंबर पांच में क्या करेंगे, घरेलू सजावटी सामान ये कौन से जिला का है? देवरिया। घरेलू सजावटी सामान देवरिया नहीं, ये है बागपत हापुड़ जो है घरेलू सजावटी सामान है। और ये कंफ्यूजन क्यों हो गई, क्योंकि सजावटी सामान जो है देवरिया में मिलते हैं और घरेलू सजावटी सामान अलग है हापुड़ और बागपत। तो गोरा पत्थर का एक ट्रिक हम बना के देखी है। गोरा पत्थर कौन सा ट्रिक होगी इसकी? गोरा पत्थर में देखो, महोबा, महबूबा गोरी है लेकिन पत्थर दिल है। हस्त निर्मित कागज को जला दो। गोरा पत्थर जो है महबूबा जो है, मान लो कि महबूबा है वो गोरी है लेकिन पत्थर मिला है और उसको हस्त निर्मित कागज दिया गया, वो जला दिया। और सिद्धार्थ को काला नमक बहुत पसंद है, इसलिए काला नमक
सिद्धार्थ नगर। रेडीमेड कपड़े, बुद्धिमान लोग ही रेडीमेड कपड़े खरीदते हैं। कौन से? बुद्धिमान लोग, जिससे गौतम बुद्ध नगर होगा। रेडीमेड कपड़े, गौतम बुद्ध नगर। घरेलू सजावटी सामान, बाघ से बागपत और हापुड़। बाघ से हापुड़ गए घरेलू सजावटी सामान लेने। बाघ से हापुड़ गए घरेलू सजावटी सामान लेने, जैसे बागपत, बागपत और हापुड़। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट होगा नंबर 6 पर दाल। दाल का बताइए। नंबर 7 पर सजावटी सामान, सामान दाल किस जिला का माना जाएगा? दाल किस जिला का उत्पाद है? बलरामपुर, बलरामपुर गोंडा, बलरामपुर गोंडा। और सजावटी सामान हमने बताया था देवरिया। नेक्स्ट, नेक्स्ट केले के रेशे, केले के रेशे और केला, केले के रेशे कहां पर पाए जाते हैं? केले के रेशे, केले के रेशे और केला कहां पर? केला जो है कौशाम्बी में पाया जाता है, कौशाम्बी का जिला है कौशाम्बी। और केले के रेशे कुशीनगर, केले के रेशे कुशीनगर। और काष्ठ कला, रायबरेली जिला है काष्ठ कला, मतलब लकड़ी के सामान का जो है बना हुआ होता है वो रायबरेली फेमस है। इसके लिए रायबरेली जिला जो है काष्ठ कला के लिए फेमस है। काष्ठ कला मतलब लकड़ी की सामान वस्तुएं बनाई जाती हैं रायबरेली। और केला जो है कौशाम्बी के, केला के रेशे कुशीनगर। और घरेलू सजावटी सामान हापुड़ और बागपत। दाल बलरामपुर गोंडा। रेडीमेड कपड़े गौतम बुद्ध नगर। सजावटी सामान देवरिया। काला नमक सिद्धार्थ नगर। हस्त निर्मित कागज जालौन। गोरा पत्थर महोबा। ठीक है, और देखते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें आप अगला देखते हैं कुछ है, जीआई टैग, जीआई टैग जो है कुछ है, मिले हैं तो जीआई टैग भी देख लेते हैं कौन सा है। सरबती गेहूं, सरबती गेहूं कहाँ का है? जीआई टैग में सरबती गेहूं किसको मिली, किस प्रदेश को मिला सरबती गेहूं? और बनारसी पान तो जानते ही होंगे, बनारसी पान, बनारसी पान किस जिले का, किस प्रदेश का, प्रदेश को जीआई टैग मिला? और गमोचा, गमोचा किस प्रदेश को जीआई टैग मिला गमोचा के लिए? और हींग, हींग किसको मिला, हींग के लिए किसको मिला? और एक है सुगंधित, सुगंधित सुगंधित मिर्चा चावल, ये बताओ किसको मिला, किस प्रदेश को मिला? सरबती गेहूं, सरबती गेहूं जो है मध्य प्रदेश को मिला। किसको मिला? मध्य प्रदेश को मिला। बनारसी पान बनारस उत्तर प्रदेश, बनारस के, बनारस के उत्तर प्रदेश को मिला। उत्तर प्रदेश के शहर को, बनारस शहर को उत्तर प्रदेश जिले में मिला। ये उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश प्रदेश के बनारस में मिला बनारसी पान को जीआई टैग। गमोचा जो है असम,
असम को गमोचा और हींग जो है हींग किसको मिला होगा? हाथरस उत्तर प्रदेश, हाथरस उत्तर प्रदेश। सुगंधित मिर्चा चावल बिहार, सुगंधित मिर्चा चावल बिहार को मिला, बिहाई प्रदेश को सुगंधित मिर्चा चावल, हींग हाथरस जो उत्तर प्रदेश में है, गमोचा असम प्रदेश को, बनारसी पान उत्तर प्रदेश के बनारस के जिले को, सरबती गेहूं मध्य प्रदेश, सरबती गेहूं मध्य प्रदेश, बनारसी पान उत्तर प्रदेश के बनारस, गमोचा असम, हींग हाथरस उत्तर प्रदेश, सुगंधित मिर्चा चावल बिहार। तो आइए चलते हैं, कुछ दिवस भी देख लेते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बनते हैं। दिवस है दिवस में सबसे पहले बताइए राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? नंबर दो पर राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? और क्या इसमें होगा? बालिका दिवस, या उसी दिन उत्तर प्रदेश दिवस भी मनाया, बालिका दिवस कब मनाया जाता है? बालिका दिवस और उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? नंबर चार, नंबर चार क्या होगा? शहीद दिवस और विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? शहीद दिवस, शहीद दिवस और विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? शहीद दिवस और विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है, बालिका दिवस उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को, थल सेना दिवस 15 जनवरी को, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को और विश्व कैंसर दिवस लगभग 4 फरवरी को, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को, शहीद दिवस 30 जनवरी को, बालिका दिवस उत्तर प्रदेश दिवस जो है 24 जनवरी, थल सेना दिवस 15 जनवरी, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी। आइए और देखते हैं, और कुछ दिवसों के बारे में बताते हैं। अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, मातृभाषा दिवस दिवस कब मनाया जाता है बताओ? और नंबर सात में होगा अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? महिला दिवस। और अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? विश्व टीवी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व टीवी दिवस कब मनाया जाता है? दिवस कब मनाया जाता है? और विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? और लास्ट अंतिम विश्व जनसंख्या दिवस बता दीजिए, विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है, ये तो पता ही होगा, 11 जुलाई। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को,
सात अप्रैल को इसे मनाया जाता है। ये कब? 7 अप्रैल को। अब अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी। विश्व टीवी दिवस 24। टीवी दिवस 24 मार्च को। विश्व टीवी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। तो यहाँ पर दिवस की संधि दिवस का भी खत्म हो गया। तो यही रहे कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो इनको देख लीजिएगा। ये उत्तर प्रदेश के यूपी कांस्टेबल में 100% पूछे जाएंगे, एक ना एक क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद यहाँ तक की आपकी क्लास। नेक्स्ट में भी कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसे देखना मत भूलना।